आइए आइए बनीलाल जी, आप तो दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं कस्तूरी जी। अरे भाई, दिन भर दांतों से दांत ही मांजते रहते हैं या कुछ खाते पीते भी हैं? आजकल की बहुएं भरपेट खाना देती कहाँ है भाई, कलयुग है घोर कलयुग। दुबले तो फणीलाल जी आप भी हो रहे हैं, शायद अपने खोए हुए बैलों की चिंता में। सोचता हूँ इस बार रामपुर की दिशा में निकल जाऊं बैलों की खोज में। क्या पछाईदार बैल थे कस्तूरी जी? फणीलाल जी उधर जा ही रहे हैं तो मानस तक चले जाना, वहाँ नवकुंज का आयोजन हो रहा है और दादेश्वरी बाबा का भी आगमन हो रहा है। बैल मिले ना मिले, पुण्य तो मिलेगा ही। जयराम जी भाई बड़े भाग वाले हैं बिंदेश्वरी जी, जो ऐसे बेटे पोते मिले। भाई वाह, किस्मत की बात है, इतनी उम्र हो गई लेकिन कोई तकलीफ नहीं होने देते। भगत जी, इस कलयुग में कितने बूढ़े ऐसे बड़भागी होते हैं, ज्यादातर की गत तो कुत्ते के समान हो जाती है। घर वालों की गालियां सुनो और मरो तो कुत्ते की मौत। सब पाप पुण्य की बात है बलदेव जी। कहिए साजी, कैसी घट रही है बेटे के राज में? अभी तक तो सब ठीक है, आगे की राम जी जाने।